करो आप खट्टा भी साथ में तो शिमला में इस समय यहाँ पर फूड कार्निवल चल रहा है और आपको हम आपको लजीज जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो मशहूर है, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने जिले की अपनी जगह की जो है फूड लेकर यहाँ पर आए हैं। तो अब आप पहुँचे हैं ऊना, यानी कि ऊना जिला में, और ऊना जिला की जो है आपको ज़्यादा किम्ब अगर जिसे कहते हैं, जिसे हम पहाड़ी भाषा में गलगल भी कहते हैं, उसकी चाट की काफ़ी डिमांड्स हैं और इस समय ऊना स्टॉल में अभी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है किम का चाट यहाँ पर खाना यहाँ पर आते हैं। किम क्या होता है आपको बता दें, क्योंकि हर जगह अलग अलग इसको बोला जाता है, कोई इसको चकोतरे भी बोलता है, कोई गलगल भी बोलता है, पर ऊना की अगर हम बात करें तो ऊना में किम यानी कि किम की चाट यहाँ पर आपको खाने को मिलेगी, जो स्पेशल जो यहाँ की है। वैसे तो फ्रूट चाट भी यहाँ पर है, उसके साथ साथ अरबी की चाट भी यहाँ पर है, चना कुलचा भी यहाँ पर है, वेजिटेबल सूप भी है। पर डिमांड आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर खा जरूर रहे हैं, पैक करके भी यहाँ पर ले जा रहे हैं। खासियत क्या है कि काफ़ी विभिन्न तरह के यहाँ पर मसाले भी यहाँ पर पड़े हैं। क्या ये मसाले, आज पूरी जानकारी फिर से, क्योंकि आप इस समय जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। अगर आप इसका टेस्ट यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आप ऊना के स्टॉल में यहाँ पर आ सकते हैं। और तो चलिए बातचीत करेंगे हम। मैम, लाइफ टाइम्स टीवी में फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा नाम किम कैसा बिक रहा है और नाम से आपने स्टार्ट करना है? सर नमस्कार, मेरा नाम मीना कुमारी है, दे ब्लॉक ऊना, डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ। सर किम चाट के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोग इतना खा रहे हैं ना कि ना शाम के 10-10 बजे भी हमें बोल रहे हैं कि बना दो हमें। ऐसा क्या खास डालते हैं कि किम, क्योंकि पिछली बार भी हमने आपसे बातचीत की कि लोग आपके पास आ रहे हैं, पैक भी करवा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर स्टॉल वाले हैं वो भी आपसे किम लेके जा रहे हैं। ऐसा क्या रेसिपी है, आप बताइए हमारे दर्शकों को भी। सर एक तो ये विंटर सीजन में होता है और इसे एज ए मेडिसिन भी हम यूज करते हैं। तो सर्दियों में जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है या सर्दियों में जैसे खून गाढ़ा हो जाता है उसको पतला करता है और विटामिन सी इसमें भरपूर होता है। तो सर इसकी रेसिपी जो है उसमें किम्ब रहेगा, किम्ब में हम हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्ची, शक्कर, गुड़ डाल के और काला नमक, काली मिर्ची डाल के इसको बनाते हैं। यानी कि जो हम मसाले इस समय देख रहे हैं, ये कौन कौन से मसाले हैं आपके पास? सर इसमें बिल्कुल सर इसमें एक तो हमारा खुद का बनाया हुआ मसाला ये है और ये चाट मसाला है, काली मिर्च है, सेंधा नमक है, काला नमक है सर। हाँ जी। और ये किम काट के अपने यहाँ पे रखा है? हाँ जी सर, ये हमें काटना पड़ रहा है एडवांस में क्योंकि हमारा बैच एकदम से 10 मिनट में खत्म हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि कब। यहाँ पर स्थानीय लोग खरीद रहे हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस चीज़? सर स्थानीय लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं और बाहर वाले टूरिस्ट के लिए तो ये अलग चीज़ है, तो वो तो बिल्कुल ही मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं पहले हमसे, तो हम उनको जब इसके बारे में बता रहे हैं तो फिर वो ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो चलिए आपने बताया, आप बताइए इसके बाद जो कटिंग हो जाती है उसके बन के तैयार किस तरह से किम किस तरह से दिखता है आप बताएंगे अब हमें। और आपको बताते हैं कि अगर हम इसको हम धूपनी भी कहते हैं, धूपनी देख के भी इसको यहाँ पर बनाया जाता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल रेडी होकर काफ़ी जो है चटपटा ये चाट होती है और इसको देखकर तो मुंह में पानी आता है। और जो यहाँ पर खास तौर पर जो दूर से जो लोग यहाँ पर आए हैं, अन्य राज्यों से जो लोग आए हैं, आप देख रहे हैं कि एक उत्साह होती है कि है क्या, ये किस तरह से इसे यहाँ पर खाया जाता है। क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो रेसिपी है, क्योंकि आमतौर पर लोग इसको इग्नोर करते थे, अब आपने इसको काफी उजागर किया? सर बिल्कुल, अब तो जैसे पहले तो ऐसा होता था जैसे घरों में सब घर में इकट्ठे रहते थे तो इकट्ठे बैठ के धूप में बैठ के इसको खाते थे, अब सब परिवार अलग अलग जैसे रह रहे हैं कि अब अगले बच्चों को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो अब इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर, जैसे हम लेके आए हैं इस चीज़ को तो वो बहुत ही पसंद कर रहे हैं और सबसे बेस्ट इसको मतलब हमें रिव्यू भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं इसके। आपका नाम क्या है, आपसे भी जानेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम माला रानी है। कैसा लगे आपका किम के चाट, कितना लोग पसंद कर रहे हैं, क्या बोल? बहुत ही ज़्यादा, मैं कभी सोच नहीं सकती कि इस चीज़ की भी वैल्यू होगी। 2 साल पहले तो इसको कोई पूछता भी नहीं था, बस वो ही 2-4 जो हमने अपने गांव में ही खाने हैं, पर इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू हो सकती मैं कभी सोच ही नहीं सकती। ऊना वालों ने इसको बढ़ा दिया नाम, ऊना वालों ने? हाँ जी सर, इसने हमें बढ़ा दिए, धन्यवाद। तो आपने भी अगर किम की चाट यहाँ पर खानी है तो जरूर यहाँ पर आइए, देखिए इसकी रेसिपी भी हमने आपको बता दी, इनके स्पेशल मसाले भी यहाँ पर है और अरबी की चाट भी है यहाँ पर। इस बार आपने अरबी की भी चाट यहाँ पर रखी है? बिल्कुल सर,
पिछली बार भी थी सर, गंडियाली चाट उन्ना की फेमस चाट है। सर किम के अलावा अभी जा रहा है, पर किम सबसे ज्यादा अभी अब तक का तो मैं मानू तो 7-8 क्विंटल हमारा चला गया। 7-8 क्विंटल ये किम यहाँ पर बेच चुके हैं और लोग यहाँ पर आते हैं किम की चाट स्पेशल जो है यहाँ पर किम की चाट खाने आते हैं। अक्सर हमने आपको बताया कि गांव के लोग ही जो इस यहाँ तक सीमित था, पर उन्ना के अगर बात करें उन्ना वालों ने स्टॉल यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर जो बाहर से जो लोग आते हैं किम की चाट जरूर यहाँ पर खाते हैं क्योंकि चटपटी भी ये चाट होती है और इन्होंने कहा कि मेडिसिन के तौर पर भी अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो तो आप किम की चाट खाएं और आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम सीवी। धन्यवाद। आपका कौन सा चैनल है? लाइफ टाइम। तो किम की चाट खाने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे, चाहे स्थानीय लोग हैं चाहे बाहर से लोग हैं। सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मैं दिनेश शर्मा, शिमला से हूँ। शिमला से हैं सर। हाँ जी। मैम आपका नाम? रंजू शर्मा, शिमला से। तो किम की चाट इससे पहले आपने क्या, आपके भाषा में क्या बोलते हैं, कहाँ से आप क्या बोलते हैं इसको? हम शिमला से, पर किम का चाट तो मैं फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ और बहुत अच्छा उन्ना वालों ने बनाया और अति उत्तम। इससे पहले टेस्ट किया था आपने यहाँ पे आके? नहीं, बस फर्स्ट टाइम ही अभी इनसे बात हुई तो इन्होंने किम का चाट खिलाया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपको क्या लगता है कि इसको बारे में कम लोग यहाँ पे जानते हैं? आमतौर पर जो गांव के लोग भी इसको अचार इसके खाते हैं। चाट कैसी लगी आपको? चाट बहुत टेस्टी है, मैं भी फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। इससे पहले भी यहाँ पे स्टॉल लगे थे हिमेरा के, हमने पहले भी विजिट किया था, शायद उस टाइम नहीं था इनका ये अचार वगैरह का, किम्ब का चाट नहीं था। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अचार भी बहुत अच्छा होता है, पर चाट बहुत यम्मी। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है, सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।